बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। उर्दू कैप्सूल लेक्चर नंबर 12, सवाल नंबर 221 था 240। सवाल नंबर 221, कारूरा मलना एक मुहावरा है, इसका क्या मफहूम है? गहरा रबत होना। कारूरा मलना का मतलब है गहरा रबत होना। सवाल नंबर 222, मैदान का मुसन्नफ का नाम क्या है? फैज अहमद फैज। मैदान का मुसन्नफ, मैदान किताब का मुसन्नफ का नाम है फैज अहमद। सवाल नंबर 223, नून मीम राशिद की नज़म अंधा कबाड़ी उनके किस मजमूए में शामिल है? गुमान का मुमकिन। नून मीम राशिद यानी नजर मोहम्मद राशिद की जो नज़म है अंधा कबाड़ी उनके किस मजमूए में है? गुमान का मुमकिन मजमूए में है। सवाल नंबर 224, फैज अहमद फैज के पहले मजमूए कलाम का नाम क्या है? नक्श फरियादी। फैज अहमद फैज साहब के पहले मजमू कलाम का नाम है नक्श फरियादी। सवाल नंबर 225, मौलाना हाली की वफात किस सन ईस्वी में हुई? 1914 ईस्वी में। मौलाना हाली की वफात 1914 ईस्वी में हुई। इसके अलावा मौलाना शबली नुमानी साहब की वफात भी 1914 ईस्वी में ही हुई। सवाल नंबर 226, जुए मानी सजाद बाकर रिजवी साहब का दूसरा शेरी मजमुआ है, इसका दबाचा किस मारूफ शायर ने लिखा है? मोहम्मद खालिद अख्तर ने। जुए मानी जो कि सजाद बाकर रिजवी साहब की किताब है, इसका दबाचा मोहम्मद खालिद अख्तर ने लिखा है। इलामा इकबाल की तवील नज़म खिज़र राह उनके किस मजमुए में शामिल है? बांगे दरा में। इलामा इकबाल की तवील नज़म खिज़र राह उनके मजमुए बांगे दरा में शामिल है। और इसी तरह मस्जिद कुर्तुबा उनकी ये मारूफ नज़म बाले जिब्राइल में मौजूद है। सवाल नंबर 228, इलामा इकबाल ने अपनी नज़म मस्जिद कुर्तुबा जो कि बाले जिब्राइल में है इसमें किस सनफ़ नज़म को बरता है? तरकीब बंदी। इलामा इकबाल ने अपनी नज़म मस्जिद कुर्तुबा में जो कि बाले जिब्राइल में है इस सनफ नज़म को बरता है, उसका नाम है तरकीब बंदी। सवाल नंबर 229, मोमन खान मोमन ने हर चंद तमाम असनाफ सखन में तिबा आजमाई की है, ताहम उन्हें कौन सी सनफ ज़्यादा मरगूब थी? गज़ल। यानी कि मोमन खान मोमन साहब को सबसे ज़्यादा उर्दू की सनफ जो पसंद थी वो थी गज़ल। सवाल नंबर 230, बगलोल किसका वजह करदार है? मुंशी सजाद हुसैन। हाजी बगलोल जो है ये मुंशी सजाद हुसैन साहब अपने नावलों में किरदार इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 231, खुशी मोहम्मद नादर साहब के शेरी मजमू का नाम क्या है? नगमा फिरदौस। नगमा फिरदौस खुशी मोहम्मद नादर का शेरी मजमू है। सवाल नंबर 232, उर्दू शेरी अदब में मामला बंदी के हिसाब से किसका नाम सबसे पहले आता है? मोमन खान मोमन। उर्दू शेरी अदब में मामला बंदी के हिसाब से सबसे पहला नाम मोमन खान मोमन का आता है। सवाल नंबर 233, मुकदमा शेर व शायरी उर्दू में तनकीद की पहली किताब शुमार होती है, ये पहली बार कब शाया हुई? 1893 ईस्वी में। मुकदमा शेर व शायरी पहली बार 1893 ईस्वी में शाया हुई। सवाल नंबर 234, रसीदी टिकट किस शायरा की आप बीती है? अमरता प्रीतम। रसीदी टिकट अमरता प्रीतम की आप बीती है। सवाल नंबर 235, जुस्तजू क्या है किस इंशा पर ताज की आपबीती है? इंतज़ार हुसैन। जुस्तजू क्या है ये इंतज़ार हुसैन साहब की आपबीती है। सवाल नंबर 236, खसो खशाक जमाने किसका नावल है? मुस्तनसर हुसैन तारड़। खसो खशाक जमाने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का नावल है। सवाल नंबर 237, कुलियात हसरत उनके कितने दवावैन पर मुश्तमिल है? 12। यानी कुलियात हसरत में उनके कितने जो दीवान हैं दीवावैन शामिल हैं? 12 दीवान शामिल हैं कुलियात हसरत में। सवाल नंबर 238, फरहंग आसफिया किसका मरतब करदा लोग है? सैयद अहमद दहलवी। फरहंग आसफिया सैयद अहमद दहलवी साहब का मरतब करदा लोग है। सवाल नंबर 247, यकशंबा हफ्ते का कौन सा दिन है? इतवार। यकशंबा इतवार को कहते हैं जी, और इसी तरह से दो शंबा सोमवार को एंड सो ऑन।
शंबा जो है ये हफ्ते के दिन को कहते हैं। सवाल नंबर 240, कुलियात मीरा जी को किसने मुरतब किया? डॉक्टर जमील जालबी साहब ने कुलियात मीरा जी को मुरतब किया। तो ये था जी लेक्चर नंबर 12 उर्दू कैप्सूल का। मिलते हैं लेक्चर नंबर 13 में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।